क्वार्टाइज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पार्टीशन वैल्यूज़ क्या होती हैं तो जब कोई वैल्यूज़ किसी सीरीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती हैं तो उसको हम पार्टीशन वैल्यूज़ कहते हैं तो जब कोई वैल्यूज़ चार पार्ट में चार इक्वल पार्ट में किसी सीरीज को डिवाइड करें तो उसको हम क्वार्टज कहते हैं तो क्वार्टज क्या है क्वार्टाइज आर दोज वैल्यूज दैट डिवाइडेड ऑर्डर डेटा इनटू फोर इक्वल पार्ट आर फोर इक्वल क्वार्टर यानी कि जब कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है और उसको जो है चार इक्वल पार्ट में कोई वैल्यूज जो है वो डिवाइड कर रहे हैं तो उन वैल्यूज को हम क्वार्टाइल्स कहते हैं क्लियर दीज वैल्यूज आर यूजफुल टू इंडिकेट वेयर डेटा आर पोजिशन रिलेटिव टू स्टैंडाइज डेटा तो इन जो वैल्यूज आती है क्वार्टाइल्स की इससे हम जो है किसी भी वैल्यू की क्या पोजीशन है उस डेटा के सेट के अकॉर्डिंग उसको हम जो है एनालाइज कर सकते हैं उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो क्वार्टाइल्स में तो जो मिनिमम वैल्यू होती है यानी कि जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है डेटा सेट जो है स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल भी कहते हैं जिसको हम क्यू ज़ीरो से डिनोट करते हैं वहीं पर जो मैक्सिमम यानी लास्ट वैल्यू होती है उसको हम क्यू फोर से डिनोट करते हैं तो क्यू जीरो यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द डेटा सेट जिसको मिनिमम वैल्यू कहते हैं और वहीं पर अपर लिमिट यानी कि

कैलकुलेट करते हैं तो क्यू जीरो से क्यू फोर के बीच में तीन और क्वार्टाइल होते हैं तो फर्स्ट क्वार्टाइल है क्यू वन सेकेंड क्वार्टल क्यू टू और थर्ड क्वार्टाइल क्यू थ्री यहां पर आप फिगर में देख रहे होंगे तो 1 जो सीरीज को डिवाइड करता है वो इस तरीके से डिवाइड करता है कि क्वार्टाइल वन से ट्वेंटी बिलो होते हैं वहीं पर क्वार्टाइल वन सेवेंटी फाइव परसेंट डेटा जो है वो ऊपर होते हैं सीरीज के ट्वेंटी फाइव परसेंट डेटा आइटम जो है वो क्वार्टाइल वन से नीचे होंगे और सीरीज का जो सेवेंटी फाइव परसेंट आइटम है वो क्वार्टाइल वन से एवब होगा इसी तरीके से क्वार्टाइल टू आप देखेंगे तो ये जो है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट डिवाइड करता है यानी कि क्वार्टाइल टू से बिलो जो फिफ्टी परसेंट आइटम होंगे सीरीज के और वहीं पर क्वार्टाइल टू से फिफ्टी परसेंट आइटम एवब होंगे वहीं पर क्योंकि थ्री जो है उसको हम अपर या फिर थर्ड क्वार्टाइल भी कहते हैं जहां पर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो नीचे होता है क्यू थ्री सेवेंटी फाइव परसेंट ऑब्जर्वेशन नीचे होता है और ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑब्जर्वेशन एब होता है क्यू थ्री जो क्वार्टाइल थ्री है वहीं पर क्वार्टाइल वन में क्या था कि ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑब्जर्वेशन नीचे होता है और सेवेंटी फाइव परसेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो ऊपर होता है क्यू वन में ट्वेंटी फाइव परसेंट नीचे होता है सेवेंटी फाइव परसेंट ऊपर ऑब्जर्वेशन होता है वहीं पर क्यू थ्री में सेवेंटी फाइव परसेंट ऑब्जर्वेशन नीचे होते हैं और वहीं पर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऑब्जर्व क्या होता है वो Q3 के ऊपर होते हैं क्लियर तो Q1, Q2, Q3 तो नॉर्मली जो क्वार्टाइल में हम कैलकुलेट करते हैं वो Q1 और Q3 को ही कैलकुलेट करने के लिए आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए कैसे क्वार्टाइल को कैलकुलेट करते हैं वो हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो इंडिविजुअल या फिर डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए पहले हम फॉर्मूला देख लें तो अगर क्वार्टाइल वन कैलकुलेट करने के लिए आता है तो साइज़ ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम यानी कि क्वार्टाइल वन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा तो सीरीज़ में एन प्लस वन डिवाइडेड फोर्थ आइटम जो होगा वो क्वार्टाइल वन होगा इसी तरीके से क्वार्टाइल टू क्या होगा उट तो करने के लिए ये जो है आपको वहाँ पर करना होगा अब बात कर लेरीज तो के लिए स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले यहां आप पर आपको ध्यान रखना है कि जो सीरीज है उसको आप एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए अरेंज ऑल वैल्यूज ऑफरीज इन एसेंडिंग ऑर्डर क्लियर कि कम से ज्यादा कम से ज्यादा वाले ऑर्डर में आप जो है सीरीज़ को अरेंज कर लीजिए उसके बाद फिर आपको सिंपल जो Q1 और Q2 का फॉर्मूला है और Q3 का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको अप्लाई कर लेना है तो Q1 वन साइज ऑफ एन प्लस और वहीं पर Q3 थ्री साइज ऑफ थ्री इन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम ये जो है क्यू हो गया तो नॉर्मली आपको क्वार्टर में क्यू और क्यू थ्री पूछने को मिलेगा क्योंकि क्यू जो है वो क्या होता है मीडियम होता है क्लियर तो अब सपोज कर यहां पर आपके पास एग्जाम्पल है कि कैलकुलेट क्यू एंड क्यू फॉलोइंग डेटा तो आपको जो है यहां पर डेटा दे यह तो की वैल्यू आपको इस डेटा से इस सीरीज से फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर तो क्या होगा कि आपको जो है घटते बढ़ते हुए क्रम में आपको यहां पर डेटा को अरेंज कर लेना है यानी कम से ज्यादा तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यूज जा आ जाएंगी जहां पर आप देखेंगे कि सबसे कम सीरीज में ट्वेल्व है फिर थर्टीन है फिर फिफ्टीन फिर सिक्सटीन फिर एटीन फिर ट्वेंटी फिर ट्वेंटी वन फिर ट्वेंटी फाइव फिर ट्वेंटी एट फिर थर्टी फिर थर्टी टू तो आपने क्या किया यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है डेटा को यहां पर आपने अरेंज कर लिया है तो टोटल तो यहां पर आपके पास कितने डेटा है इलेवन इलेवन नंबर ऑफ डेटा है यहां पर इस सीरीज में दिए गए हैं तो अब आपको क्या कर लेना है यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू इलेवन एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो इलेवन हो गया तो द फॉर्मुला ऑफ क्यू वन एंड क्यू थ्री तो यहां पर आपको क्या करना है फॉर्मुला अप्लाई कर लेना है तो क्यू वन क्या हो जाएगा साइज ऑफ एन प्लस और वैल्यू तो पुट कर लेना है आपके पास आंसर आ जाएगा तो यहां पर सबसे पहले हम क्यू वन की बात करें क्वार्टर की बात करें तो साइज ऑफ एन प्लस एन की वैल्यू क्या है वैल्यू तो क्या है इलेवन अब यहां पर इलेवन प्लस ट्वेल्व Q1 क्या आ जाएगा? थर्ड आइटम तो थर्ड आइटम तो क्या है सीरियल नंबर थ्री पे क्या है फिफ्टीन तो क्यू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी इसी तरीके से Q3 थ्री की भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो Q3 का फॉर्मूला क्या है साइज ऑफ थ्री इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम तो यहाँ पर एन क्या है 11 तो आपको वैल्यू पुट कर देना है एन की जगह 11 तो थ्री इंटू इलेवन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम हो जाएगा तो इलेवन प्लस वन क्या हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू थ्री क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स डिवाइड क्या आ जाएगा नाइन तो क्यों थ्री टू साइज ऑफ नाइन्थ आइटम तो यहां पर आप सीरीज में देखेंगे टेबल में तो आइटम क्या है ट्वेंटी की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वेंटी तो से जो है आपको यहां पर क्यू वन और क्यों थ्री इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैलकुलेट करना होगा बात कर लें डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सीरीज में डेटा है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको क्या दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी

वन डिवाइड बाई फोर्थ आइटम वहीं पर Q3 का क्या हो जाएगा साइज ऑफ थ्री इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर्थ आइटम तो ये जो है Q3 का फॉर्मला हो जाएगा तो क्वार्टाइल वन क्वार्टाइल थ्री आपको जो है कैलकुलेट कर लेना है तो यहाँ पर आपको जो है एक डिस्क्रीट सीरीज दी गई है वहाँ पर पूछा गया है कि कैलकुलेट Q1 और क्यू फॉर द फॉलोइंग डेटा तो ये आपके सामने डिस्क्रीट सीरीज दी गई है क्लियर एक्स क्या है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है टू थ्री फोर सिक्स टेन सेवन फोर और थ्री तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डेटा जो है ऑलरेडी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज जो है अरेंज है तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है तो आपको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करने की जरूरत नहीं है एक्स के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है यहाँ पर अरेंज करना होता है तो एक्स जो है ऑलरेडी फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज है तो अब आपको क्या कर लेना है क्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको फाइंड आउट कर लेना है तो क्लियर तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया ऑलरेडी अरेंज है उसके बाद फिर आपको क्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लेनी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो जैसे फ्रीक्वेंसी पहले क्या है टू तो एज इट इज टू लिख देंगे उसके बाद थ्री है थ्री प्लस टू कर देंगे तो क्या जाएगा five. उसके बाद क्या है four है तो नाइन तो आ जाएगा इसी तरीके से नाइन प्लस सिक्स कर देंगे फिफ्टी आ जाएगा इसी तरीके से फिफ्टीन प्लस टेन कर देंगे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस सेवन थर्टी टू थर्टी टू प्लस फोर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस थ्री थर्टी नाइन क्लियर तो इस तरीके से जो है आप क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे तो क्यूमुलेटि फ्रीक्वेंसी आपने मेन मीडियम मॉड में इसमें भी जो है आपने प्रैक्टिस कर रखा है कि कैसे क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेना है अब आपको जो है फॉमूला अप्लाई कर लेना है तो आपने यहाँ पर क्यूबलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था आपने क्यूबलेटिव

20. कैसे वो समझ में में आ गया? तो वाले में देखना है तो tenth item किस में आएगा फिफ्टीन वाले में आएगा अब फिफ्टीन के सामने एक्स की वैल्यू क्या है ट्वेंटी तो ट्वेंटी ही क्या होगा क्वार्टाइल वन होगा क्लियर इसी तरीके से आपको जो है क्वार्टाइल थ्री कैलकुलेट करना है तो साइज ऑफ थ्री इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर्थ आइटम ये फॉर्मूला हो गया एन की वैल्यू थर्टी नाइन है तो क्या हो जाएगा थ्री इंटू थर्टी नाइन प्लस वन डिवाइड बाई फोर्थ आइटम तो यहाँ पर क्या हो गया थर्टी नाइन प्लस वन फोर्टी फोर्टी इंटू थ्री करेंगे तो वन ट्वेंटी आ जाएगा तो वन ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर करेंगे तो क्या आ जाएगा थर्टी वन ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर करेंगे तो थर्टी आ जाएगा तो साइज ऑफ थर्टीएथ आइटम तो अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला आपको जो है वो टेबल देखना है बॉक्स देखना है तो यहाँ पर थर्टीएथ आइटम किस में आएगा थर्टी टू वाले में आएगा क्योंकि पच्चीस के बाद छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस ये किस में आ जाएगा थर्टी टू वाले में तो थर्टी टू वाली क्यूबेटिव फ्रीक्वेंसी का एक्स की वैल्यू क्या है थर्टी है तो इसलिए थर्टी आइटम इज अवेलेबल इन थर्टी सेकेंड क्यूबलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि क्यू की, की वैल्यू क्या हो जाएगी थर्टी क्लियर तो इस तरीके से जो है आपको डिस्क्रिप्ट सीरीज की भी वैल्यू फाउंड कर लेनी है क्वार्टाइल की क्लियर तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज़ uh, के लिए क्वार्टाइल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं वो डिस्कस करेंगे यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग